इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नहमदहु नुसल्लि व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद। हाजिरीन गिरामी, इदारा शरिया जिला बेलगाम की तरफ से ऐलान किया जाता है कि शबे बारात 9 अप्रैल दिन जुमेरात गुजार कर जुमा की रात को है और शाबानुल मुअज्जम का नफली रोज़ा जुमा सनिचर और चाहें तो जुमेरात और जुमा को रखें। इस वक्त बाज़ हज़रात को दारुल उलूम गरीब नवाज बेलगाम का सुन्नी रिजवी कैलेंडर या मीज़ान कैलेंडर और दूसरे कैलेंडरों से कन्फ्यूज़न है कि शबे बारात 8 अप्रैल को है, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए कि बेलगाम रियासत कर्नाटक या मुल्क के किसी भी हिस्से से 29 रजब को शाबानुल मुअज्जम के चांद की रुयत या शहादत कहीं से दस्तियाब नहीं हुई। इसीलिए ये नोट कर लें कि शाबानुल मुअज्जम की 14वीं तारीख जुमेरात के दिन है और दिन गुजार कर जुमा की रात को शबे बारात है। इस मौके पर दूसरी और अहम बात मैं ये करना चाहता हूँ कि रियासत और मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना मर्ज़ और वबा को देखते हुए और हुकूमती अहकाम को नज़र में रखते हुए शबे बारात के मौके पर मस्जिदों में, दरगाहों में और कब्रिस्तानों में भीड़ भाड़ करने और इकट्ठा होने से परहेज़ करें। यकीनन शबे बारात गुनाहों की माफ़ी, बख्शिश और दुआओं की कबूलियत की रात है। आप अपने अपने घरों में ही रहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें और इस मौके पर कोरोना के मर्ज़ से अपनी हिफाजत के लिए, शहर की हिफाजत के लिए और पूरे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए दुआ करें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस मुक़द्दस रात में हमारी दुआएं रद्द नहीं की जाएंगी और ज़रूर परवरदिगार आलम हमारे मुल्क को इस मर्ज़ से बिल्कुलिया नजात अता फरमाएगा। खुदाबंद करीम हमें और आपको इन बातों पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाएगा।